वो सब का एस वेलकम बैक टू द वीडियो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्ट सिक्स चैप्टर नंबर टू एंड वो भी उसमें देखेंगे निक फ्यूरी एंड चैप्टर टू ने सॉरी चैप्टर थ्री एक्ट सिक्स चैप्टर थ्री एंड उसमें निक फ्यूरी वाले बॉस को लिए देखेंगे एंड ये वीडियो ना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि पाथ क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी बट निक फ्यूरी वाली फाइट जो है काफ़ी लंबी हो जाती है जो कि ऑलमोस्ट मेरी अभी से एक्ट सिक्स के जितनी भी कंप्लीशन की वीडियो है वो सारी ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स की है एंड मैं कोई भी ना अगर ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ कि जो काफ़ी लंबी हो तो यूजुअली जो है मैं स्पीड अप कर देता हूँ वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ बट एक्स एक, एक काफ़ी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टेंट है इन लोगों को जल्दी से समझ में नहीं भी आता है तो इसलिए मैं जो ओरिजिनल स्पीड है वही रखना चाहता हूँ ताकि जो है मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई एंड मे भी मैं जो सिखाना चाहता हूँ एंड जो भी टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ वो सारी की सारी वन टू वन आपको दिखाना चाहता हूँ मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ दिया है तो फिर ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि चलो भाई आ गया मैं नहीं मैं मतलब पूरी की पूरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये शायद आप लोगों को थ्रोन बेकर करने बनने में काफ़ी मदद करेगा सो so, यहाँ पर मैं टीम लेके आया हूँ अपोकलिप्स के साथ रेड मैग्नेटो एंड उसके बाद है मेरे पास अपना ये क्या के, कहते हैं ओमेगा रेड है एंड ओमेगा रेड के साथ एक और है क्लेर वॉइंट ब्लैक वीडो क्लेयर वॉइंट एंड ये मे चार मेन चैंपियंस है एंड लास्टली एक और स्लॉट फ्री बचा था मेरे लिए तो वहाँ पर मैं लेके आया हूँ क्या कहते हैं सेबर टूथ को सेबर टूथ मेरा रैंक टेप नहीं है फुल्ली आई गेस रैंक टू या थ्री पर है पता नहीं मेरे को बट ये जो चार चैंपियन थे वो काफ़ी मेन है एंड पाथ जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वो सेकेंड लास्ट पाथ है सेकेंड पाथ है ऐसे आ, लेफ्ट टू राइट देखने जाए तो जहाँ तो, पर लिंक नोड है कैल्ट्रॉप्स एंड ब्लड लाइटिंग मतलब कैल्ट्रॉप्स मतलब कि आप डैश पैक करोगे तो आपके ऊपर जो है ब्लीड डिबफ अप्लाई होगा एंड ब्लड लाइटिंग का नोड क्या करता है कि जो भी आपके ऊपर ब्लीड डिबफ है उसकी टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाएगी मतलब ज़्यादा टाइम तक जो है आप ब्लीड डैमेज लोगे तो ये एक नोड है सो so, अपोक्लिप्स में किसके लिए लाया अपोक्लिप्स में लाया आ, क्या कहते हैं रेड मैग्नीटो को हॉर्समैन बनाने के लिए सो so, अपोक्लिप्स को आपको पता नहीं हो कि उसकी हॉर्समैन एबिलिटी कैसे काम कर है तो सबसे पहले आपको एक म्यूटेंट को डिफीट करना पड़ेगा या तो फिर म्यूटेंट ना हो तो दो से तीन फाइट करनी पड़ेगी एंड दो दो से तीन फाइट के बाद जो है आपके पास फोर प्रेस्टीज चार्जेस हो जाएंगे एंड ध्यान रखना कि अपो की आई गेस जब तक कि वो जिंदा है तभी आप जो है उसकी प्रीफाइड एबिलिटी लगा सकते हो मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास अपोकलिप्स है जो नॉकड आउट हो चुका है बट उसके पास फोर प्रेस्टिज चार्ज है एंड आप प्रीफाइड यूज़ करने जाओ तो ऐसा नहीं होता है इसलिए अब आपने ध्यान से देखा होगा कि कभी कभी जो भी चैम्पियन जो भी लोग जो है अपोकलिप्स को लेके जाते हैं तो उसके साथ जो है वो ये वाली सीनर्जी लेके जाते हैं केबल वाली एंड केबल वाली सीनर्जी क्या करता है कि भले ही वो सबसे पहली फाइट में अपोकलिप्स की भले ही वो म्यूटेंट हो या ना हो जैसे ही फाइट में एंटर करता है उसके पास चार चार्ज आ जाते हैं एंड फिर लोग क्या करते हैं अपोकलिप्स को फाइट में एंटर करते हैं, फ़ाइट से बाहर निकल जाते हैं एंड वापस उसको एक रिवाइव दे देते हैं एंड उससे होता है कि मतलब फ़ाइट स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो है आ, फोर पेस्टी चार्ज मिल जाता है जिसको भी आपको हॉर्समैन बनाना हो उसको आप हॉर्समैन बना सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ, अगर लो लेवल का अपोकलिप्स हो ना तब यूज़ करते हैं मतलब कि जैसे कि फोर स्टार हो थ्री स्टार हो एंड फाइव स्टार तो है ही मेरे पास ऐसी एंड या yeah, अपोकलिप्स को जो है अन काफ़ी अच्छा है उसको की जरूरत नहीं पड़ती सो या तो यहाँ पर पाथ पर है एक रोबोट है रोबोट का नाम है डार्क हॉक एंड देन एक ईवेंट वाला चैंपियन है नाइट क्रॉलर एंड देन है एक मेड्यूसा है एक क्या कहते हैं अपना हाइमडल है एक, एक क्या कहते हैं इसका नाम क्या है मोडोक मोडॉक है एंड फाइनली नोड पर है रेड स्कल सो so, मैग्नेटो को जैसे मैंने बताया मैं बता हॉर्समैन बनाऊंगा उसको एंड निक फ्यूरी के बारे में भी आके बात करेंगे कि बॉस के ऊपर क्या नोड्स है क्या नहीं तो यहाँ पर ये फ़ाइट जो है अपोकलिप्स के साथ काफ़ी सही जा रही है अपोकलिप्स के साथ फ़ाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसका डैमेज जो है वो स्पेशल अटैक से आता है एंड जब तक कि उसको फोर चार्ज ना मिले वो फ़ाइट जो है थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है तो ये यहाँ पर जो है दो फाइट ख़त्म हो जाती है तो जैसे ही अभी डार्क हॉक वाली फ़ाइट आएगी तो मैं सोच रहा था कि कौन सा ऐसा चैंपियन रहेगा कि जो ब्लीड इम्यून रहेगा प्लस डार्क हॉक को भी ले सके ओमेगा रेड जो है वो क्या कहते हैं रोबोट्स के ऊपर जो है डी जनरेशन डीब अप्लाई नहीं करता आ, क्योंकि जो उसका हैवी अटैक्स है क्योंकि हमें डेथ स्पोर लगा के रखना है अपोनेंट पर तो वो नहीं कर पाएगा तो इसलिए फिर मैं मेरे को मैं लिटरली भूल गया था कि मैग्नेटो लिटरली जो है रोबोट चैंपियन को टोटली ऑलमोस्ट शट डाउन कर देता है एंड उसी के साथ साथ ना अगर क्या कहते हैं हॉर्समैन एबिलिटी ना भी हो ना तो मैग्नेटो के पास उसके पास ब्लीड रेजिस्टेंस है 90 परसेंट का ब्लीड रेजिस्टेंस है जो जितना भी डैमेज होगा उससे मैं व्हील पावर की हीलिंग करूंगा एंड यहाँ पर ना लिटरली आपको पता चलेगा कि व्हील पावर मास्टी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है देखना अभी तो नहीं मतलब अभी तो जैसे कि ब्लीड अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उसकी एबिलिटी एक्रेसी रिडक्शन कर रहा हूँ प्लस साथ ही जो है मैं नोड का आ, आ, क्या कहते हैं नोड का इफेक्टिवनेस भी जो है वो कम कर रहा हूँ एंड हॉर्समैन एबिलिटी जिसको भी आप हॉर्समैन बनाते हो लिटरली कोई भी चैंपियन हो म्यूटेंट में तो पहली बात तो वो ब्लीड इम्यून हो जाएगा एंड जैसे ही वो स्टक होता है तो ये पैसिव अनस्टॉपेबल ट्रिगर हो जाता है ये जो जस्ट आपने देखा अभी एंड ये देखो यहाँ पर मेरे ऊपर ब्लीड डिब अप्लाई हो रहा है बट मैं कोई भी ब्लीड डैमेज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो हो, हॉर्समैन की एबिलिटी से मैं ब्लीड 100 परसेंट रेजिस्टेंट हो जाता हूँ मतलब कि ब्लीड डिबफ मेरे ऊपर अप्लाई होगा पर मैं ब्लीड से डैमेज नहीं लूँगा लिटरली कोई भी डैमेज नहीं लूँगा तो इससे क्या होता है कि जो भी मेरी विल पावर हीलिंग है वो लिटरली सारी की सारी एक मतलब क्या कहते हैं सब कुछ जो है मेरे को हील अप्लाई करता है एंड मैं कोई भी डैमेज नहीं लेता हूँ तो एक थोड़ा एंड ये ना एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था प्रीवियस वीडियो जो एक्ट सिक्स के कम्पलीशंस के थे तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो भी पाथ में अभी नेक्स्ट करने वाला वालों जैसे कि ये तो ख़त्म हो गया निक फ्यूरी वाला थर्ड वाला है हेवेक वाला है तो हैवेक वाला है ना पहले मैं अपनी टीम बनाऊंगा जो कि एक पाथ को कंप्लीट करने के लिए रहेगी मैं टीम से एंटर करूंगा फ़ाइट में एंड देन फाइट पूरी की पूरी जब तक कि बॉस तक नहीं पहुँचाता तब तक देखूंगा कि कितना होता है कितना नहीं कि कितने रिसोर्सेज मेरे को यूज़ करने पड़ते हैं अगर पहली फाइट में मैं दो से तीन बार मर जाता हूँ तो मेरे को फिर देखना पड़ेगा कि कौन से चैंपियंस हटा के मैं दूसरे ले आ सकता हूँ एंड ये लिटरली ना मैं खुद करता हूँ एंड साथ ही साथ जो है ऑलमोस्ट जिन लोगों ने पहले से वीडियो कंप्लीट करके रखे वहाँ पर से थोड़ी बहुत जो है मदद मिल जाती है मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना तो सिर्फ मैं ही अपने तरफ से दिमाग लगाऊ ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली जाके मतलब यूट्यूब पर वीडियो है ही इसलिए कि आपको मदद करे कि आपको जो है जल्दी से ये चीज़ें ख़त्म हो जाए एंड आप जो है थ्रोन ब्रेकर बन जाए सो या एंड उसी के साथ साथ ना मतलब आप देख सकते हो इस आ, ये वाले फ़ाइट में ना ओमेगा रेड के साथ मैं जस्ट पैरी और हैवी अटैक कर रहा हूँ एंड तभी अटैक करता हूँ नॉर्मल अटैक से जब वो स्टंट होता है क्योंकि वो बार बार जो है इवेट करने जाएगा एंड यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं यहाँ पर तो मर जाता है एक फ़ाइट में ना एक्चुअली जहाँ पर मेरे को उसको अटैक करना चाहिए था तो मैं अटैक करता नहीं फ़ाइट लंबा करता हूँ मतलब लंबी हो जाती फ़ाइट तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा डैमेज है तो आई गेस ये नेक्स्ट वाली मडूसा वाली फाइट में ही देखेंगे एंड बाकी के सारे के सारे मतलब ये दो ही फ़ाइट में जो है ओमेगा रेड के लिए लाया एंड उसके बाद जो है जो भी ये क्या कहते हैं अपना हाइमडेल वाली फ़ाइट है उसको मैं काउंटर करने के लिए आया ले के ये आया था अपना क्या कहते हैं ब्लैक वीडो क्लेव वट क्योंकि वो ब्लीड इम्यून है एंड साथ ही साथ ब्लीड डिबफ भी अप्लाई करती है उसके बारे में भी फाइट के बारे में देखेंगे जैसे उसकी फाइट स्टार्ट होती है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है जैसे मैं डैशबैक करूँगा मेरे ऊपर जो है ब्लीड अप्लाई होगा एंड ब्लीड अप्लाई होने से क्या होता है कि मेरा जो है डेथ फील्ड और जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही मैं अपोनेंट के पास जाता हूँ तो डेथ फोर जो है लगना स्टार्ट हो जाता है एंड मेक श्योर करना अगर आपके पास जो है फाइव स्टार और सिक्स स्टार दोनों हैं क्या कहते हैं अपना ओमेगा रेड तो मेक श्योर करो कि सबसे पहले फाइव स्टार वाले को सी टू हंड्रेड पर ले जाओ क्योंकि सिक्स स्टार वाले की आप मतलब आप अगर आपके पास ना सिक्स स्टार सिक्स टू हंड्रेड है ओमेगाइड तो फिर ये ये मतलब आपने ऑलमोस्ट सब कुछ हंड्रेड परसेंट कर लिया है पूरे के पूरे गेम में सारा का सारा कॉन्टेंट जो है हंड्रेड परसेंट एक्सप्लोर कर लिया है सो तो मतलब सिग्नेचर लेवल अप्लाई करना सिक्स स्टार लोगों को तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ता है एंड यहाँ पर मैं स्पेशल थ्री अप्लाई करूंगा एंड ओम इसके बाद ओमेगा रेड की हेल्थ बार देखना सीधा दस से बीस हीलिंग मिल जाएगी क्योंकि जितने भी अपोनेंट के ऊपर देड्सपोर अप्लाई होते हैं तो पर दे स्पोर के हिसाब से जो है आपको हीलिंग मिलती है एंड बुक देखो सीधे वापस आ गई ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है आ, स्क्रीन छोटी है मेरे लिए अभी या फिफ्टी सिक्सटी की परसेंट के आसपास जो है हो जाती है एंड ये डेफिनेटली मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग के टाइम में इतना सारा कुछ बोलता नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स सिक्स के टाइम में मैं थोड़ा सा फोकस रहना चाहता हूँ एंड बोलते बोलते मेरा फोकस ब्रेक हो सकता है एंड जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअल रन दिखाना चाहता हूँ वो नहीं हो पाता है एंड इस पूरे के पूरे रन में मैंने जस्ट एक ही रिवाइव यूज़ किया था वो भी आगे जाके दिखेगा आपको एंड ये फ़ाइट अब अच्छी खास स्पेस पर जा रही है पेस पर जा रही है स्पेस नहीं पेस पर जा रही है एंड ज़्यादा कुछ मेरे को अभी इतनी दिक्कत आ रही है एक छोटा सा बूस्ट लगा के रखा था मैंने जैसे स्टार्टिंग के फ़ाइट में आपने देखा वहाँ पर ट्वेंटी परसेंट का या फिर या टेन परसेंट का अटैक है हेल्थ पूछता अगर ना लगा के जाओ तो भी इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं मैं जस्ट सेफ्टी मेजस्ट के लिए जो है लगा के गया यहाँ पर फाइट आती है ब्लैक वीडो क्लेयर पॉइंट के साथ बट जैसे ही उसका फे, फेस जो है स्टार्ट होता है ब्लीड वाले कर्स में तो जैसे ही मैं डैशबैक करूंगा मैं ब्लीड इम्यून हूँ तो ब्लैक वीडो क्लेयर वाइंड की एबिलिटी के हिसाब से जो भी उसके पास इम्यूनिटी है अगर वो ट्रिगर होती है तो उसको थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जो है बार ऑफ पावर मिलती है तो ध्यान रखना जैसे ही मैं डैशबैक करता हूँ जितनी भी बार डैशबैक करूंगा तो जो है मेरे को पावर गेन मिलेगी थोड़ी बहुत जो है पावर गेन मिलेगी एंड ये तब तक मिलेगी जब तक कि मेरा कर्सिस जो है वो पिंक वाला सिम्बॉलेमस्टिक चम्पियंस का वो ट्वेंटी पर नहीं चला जाता ट्वेंटी मैक्सीम है एंड वो स्पेंड कैसे करना है कि आपको नलीफाई करना है अपोनेंट के बस अगर हो तो या तो फिर जो है स्पेशल थ्री लॉन्च करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो डेथ फील वाले उसमें कि चीट डेथ वाले उसमें एंड जितना ज़्यादा आपके पास वो ट्वेंटी वाला आ, उसका पता नहीं नाम क्या कहता है बट वो जो मिस्टिक वाला सिंबल है वो अगर ट्वेंटी हो आपके पास तो मतलब जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा जो है आप स्पेशल का डैमेज करोगे विद स्पेशल थ्री तो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा आप डैमेज करोगे एंड स्पेशल टू जो है अगर ब्लीड वाले कर्स में हो एंड स्पेशल टू लॉन्च करते हो तो आपको हीलिंग मिलेगी जितना भी आप डैमेज करते हो उसका फाइव परसेंट जो है हीलिंग मिलेगी आपको एंड देन आपको कर्सेस चेंज करने हो अगर कि एक गर्ज़ से दूसरे गर्ज में जाना है मतलब ब्लीड इम्यूनिटी से पॉइजन इम्यूनिटी में चेंज करना है या तो फिर पॉइजन इम्यूनिटी से इंसूनेट इम्यूनिटी वाले में चेंज करना है तो आपको जो है जस्ट है लाइट अटैक यूज़ करना पड़ेगा मतलब ऐसा कॉम्बो जिससे लाइट अटैक का एंडिंग हो मतलब कि चार लाइट डायरेक्टली आप यूज़ करते हो कर सकते हो जैसे कि पैरी करो एंड फोर लाइट अटैक्स करो या तो फिर एक मीडियम अटैक एंड चार लाइट अटैक्स जो भी आपको जैसी मर्जी हो वैसी एंड उसी के साथ साथ ना ब्लैक विडो क्लेर वर्न का हैवी अटैक जो है उसको आ, थ्री जो है ब्लीड डिबक्स अप्लाई करता है मतलब जो भी वो कर्स में हो वो तीन डिब्ब अप अप्लाई करता है अगर पॉइजन कर्स में है तो वो तीन पॉइजन डिब्स अप्लाई करेगी अगर इंसनेट वाले कर्स में है तो सेम तीन इंसनेट डिब्ब सप्लाई करेगी कभी कभी ऐसा भी रहता है कि अपोनेंट के ऊपर जो है पॉइजन वर्नेबिलिटी होती है तो फिर इंसनेट वर्नेबिलिटी होती है तो वो काफ़ी जल्दी से अप्लाई कर सकती है ब्लीड डिबक्स एंड ये वो एंड उसी के साथ साथ अगर ब्लैक वीडो ब्लैक वीडो का जो जो भी कर्स में है वो एंड उससे वो अगर मीडियम अटैक से कॉम्बो ख़त्म करती है तो वहाँ पर भी वो जो है एक लास्ट वाला कर्स अप्लाई करती है मतलब ब्लीड में ब्लीड अप्लाई करेगी पॉइजन में पॉइजन एंड ये वो सो so, मतलब लिटरली ये फ़ाइट के लिए काफ़ी अच्छा था मैं उसके सारे के सारे बस कंट्रोल कर सकता था पावर गेन इतनी थी नहीं जस्ट मैं उसका स्पेशल वन बेट कर रहा था एंड फाइट काफ़ी सिंपली एंड इजीली जा रही थी जस्ट मेरे को स्पेशल वन वेट करना था एंड आपको भी हो जाएगी यहाँ पर मैं ना लिटरली सोच रहा था कि कौन से ऐसे चैम्पियंस होंगे जो कि ब्लीड इम्यून होंगे प्लस उसी के साथ साथ ब्लीड बफ्स को नॉलीफाई कर सकते हैं तो मेरे पास मेन थिंग था बट मेन थिंग मैं इतना अच्छा खेलना नहीं आता मेरे को उसी के साथ साथ जो है वो रैंक फाइव पे नहीं था इसलिए फिर मैं क्लेयर वॉइंट को लेके गया था एंड ये फाइट है मोडोक वाली एंड मोडोक वाली जैसे कि है कि मोडोक जो है एक हैश टैग मेटल चैम्पियन है तो क्या कहते हैं अपना मैग्नेटो ले जाके उसकी एबिलिटीज काफ़ी सारी शट डाउन कर दूंगा मैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसिव हील ब्लॉक जो है वो आ, ट्रिगर कर रहा है एंड जैसे मैं हैवी अटैक करता हूँ वो वापस रिफ़्रेश होता है तो जिन लोगों को भी पता ना हो तो यहाँ पर एक सीनर्जी है रेड मैग्नेटो की आ, सेबर टूथ के साथ कि अगर मेस्ट हैशटैग मेटल वाले चैंपियंस को आप नॉकडाउन नॉकआउट करोगे मतलब कि नॉकडाउन करोगे उसको गिरा दोगे हेवी अटैक यूज़ करोगे या तो फिर स्पेशल अटैक यूज़ करोगे तो वो पैसिवली जो है हील ब्लॉक हो जाता है एंड मैं लिटरली दो सेकंड के लिए सोच रहा था कि यार मतलब ये एबिलिटी तो निकफ्यूरी के सामने काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी कि जैसे ही जो है वो उसकी सेकंड लाइफ ट्रिगर करने आएगा मैं उसको हैवी अटैक से नॉकआउट कर दूंगा तो हील ब्लॉक अप्लाई हो जाएगा एंड वो हील ही नहीं कर पाएगा फिर दो सेकेंड के बाद मेरी एक और ट्यूबलाइट जबकि कि निकविरी की जो सेकेंड लाइफ जैसे ही ट्रिगर होती है उसके ऊपर के ब्लीड सारे सारे के सारे डिब्स और पैसी डिब्स जो है वो रिमूव हो जाता है फिर सोचा चलो छोड़ा <laughs> मतलब मैं खुद को ही जो है समझा रहा था कि क्या करना है क्या नहीं मतलब चालू लिटरली ये चालू फाइट में जो है मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है बजाय मेरे को ये फ़ाइट पहले कंप्लीट करने के सोया मैं कभी कभी ना सोचने लग जाता हूँ तो ये काफ़ी दिक्कत देता है ठीक है एंड देन ये वाली फाइट ये वाली फाइट भी ना रेड स्कल के साथ थोड़ी बहुत जो है लंबी हो जाती है जस्ट बिकॉज उसके पास आर्मर अग, आर्मर आर्मरअप बफ्स है एंड उसको रिमूव करने के लिए या तो फिर मेरे को मैगनीटो के साथ स्पेशल टू यूज़ करना पड़ेगा या तो फिर मेरे को आर पे डिपेंडेंट बनना पड़ेगा कि वो जो है ट्रिगर ना करे बफ्स एंड यहाँ पर रेड स्कल के ऊपर नोड्स ऐसे हैं कि आर एग्रेशन आर्मर है कि मतलब हर दो सेकंड जो है उसको आर्मर अप बफ मिलेंगे पैसे आर्मर होंगे बट जैसे कि हम उसकी एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन कर रहे हैं तो कभी कभी वो ट्रिगर करता है नोट कभी कभी नहीं करता तो उसका इतना इग्नोर ही कर दो उसको तो अगर मैग्नेटो तो ले जा रहे हो तो एंड सेकेंडली है वाइटेलिटी रश मतलब कि जो भी चैम्पियन जो है हंड्रेड परसेंट हेल्थ के साथ फाइट स्टार्ट करेगा तो उसको जो है फ्यूरी बफ मिलेगा सो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारा ऐसा होगा कि आप 100% परसेंट फाइट पर कभी भी एंटर नहीं करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो फ्यूरी बफ देख रहे हो वो हमेशा रेड स्कल के ऊपर ही रहेगी वो भी इग्नोर कर दो जब तक कि वो कब डिपेंड करता है कि जब आप हिट लेते हो तो, तो एंड बेसिक सी चीज़ है अगर आप हिट लोगे तो डेफिनेटली आपको किल कर देगा एक ही कॉम्बो में तो आपको हिट नहीं ले है बेसिक सी चीज़ है एंड लास्टली है अनब्लॉकेबल अटैक्स मतलब कि उसके सारे के सारे स्पेशल अटैक्स जो है वो अनब्लॉकेबल होंगे सो so, यहाँ पर जो है आपको दस एक ही चीज़ करनी नहीं कि उसको स्पेशल वन तक ही रखना है स्पेशल टू तक पूछ मत करो एंड मैंने उसको पूछ नहीं किया या तो फिर मैं ट्राई कर सकता था देखने के लिए कि उसका स्पेशल टू जो है उसकी जो वो बीम लगाता है तो वो जो है मेरे अनब्लॉकेबल होगी कि नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्पेशल वन अनब्लॉकेबल होता है तो प्रोजेक्टाइल वाले अटैक्स है ना वो हम आप जो है ब्लॉक कर सकते हो बट जो नॉर्मल वाले अटैक्स होते हैं जैसे कि कोई उसका हैंड हैंड वाला मोशन हो या तो फिर हैंड वाला एनिमेशन हो या तो फिर कोई स्पेशल एनिमेशन हो तो वो अनब्लॉकेबल होता है जैसे कि आप देख सकते हो स्पेशल वन के सारे के सारे अटैक्स जो है वो अनब्लॉकेबल है मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो किक करता है आई गेस किक करता है ना <laughs> मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं एंड या आप देख सकते हो कि मैं जो है उसके साथ काफ़ी सारे फ्यूरीज़ के साथ भी जो है मैं उसको स्पेशल अटैक करता हूँ स्पेशल अटैक अप्लाई करता हूँ स्पेशल थ्री का डैमेज करता हूँ बट स्टिल उसकी हेल्थ बार जो है इतना डैमेज नहीं लेता थर्टी सिक्स थाउजेंड का जो है डैमेज करता है बट स्टिल इतना डैमेज नहीं करता जस्ट कि वो ब्लीड इम्यून नहीं है अगर ब्लीड इम्यून होता तो आई गेस ऑन दी स्पॉट मर जाता एंड लास्टली जो शार्पनल ब्लीड उसको काफ़ी सारा डैमेज करती है देन यहाँ पर जो हो जाती है पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट अगर मैं चाहता ना तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे दूसरे पाथ लेने के लिए बट वो और भी लंबे हो जाते हैं एंड वो मैं चाहता नहीं था एंड अब आ जाता है निक फ्यूरी पर एंड निक फ्यूरी के नोट्स देख लेते हैं तो नोट्स देखने पर देखने देखने से पहले जस्ट मैं ये चीज़ बता दूँ कि निक फ्यूरी को डिफ़ीट करना होना तो मेक श्योर करो कि जितने हो सके आप म्यूटेंट चैंपियन ले जाओ या तो फिर जो भी चैंपियन आप ला रहे हो तो मेन आपका चैंपियन जो है निक निक निकफी को डिफीट करने वाला म्यूटेंट चैंपियन ही होना चाहिए क्योंकि वो जो है काफ़ी कम जो है टेक्टिकल चार्जेस ट्रिगर करता है एंड यहाँ पर सारा का सारा खेल टेक्टिकल चार्जेस का है एंड दूसरी और एक और चीज़ आती है जो कि आर है एंड वो भी उसका स्पेशल वन थ्रो करने में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा ये ऑलमोस्ट जो है मैं क्या कह सकते हो कि रिवाइव यूज़ किए बिना भी मैं कंप्लीट कर सकता था बट अगर एंड वाले सेक्शन में अगर वो स्पेशल अटैक यूज़ नहीं करता स्पेशल वन यूज़ नहीं करता तो काफ़ी जल्दी से ख़त्म हो जाता मेरे को जो है रिवाइव यूज़ करना नहीं पड़ता एंड यहाँ पर मैं मेरे पास जो भी चैम्पियन है उससे मैं जो भी हेल्थ जो है इसकी निकाल पाऊँ वो उससे निकाल रहा था एंड इसकी लिटरली फोर के की हेल्थ है ऑलमोस्ट एक रेलमोफ लेजेंड के बॉस के बराबर की है तो ये थोड़ी बहुत जो है फ़ाइट लंबी होने वाली है एंड इसके साथ ना जस्ट एक ही चीज़ करो ट्राई करो कि आपको स्पेशल टू तक पुश करो निक फ्यूरी का क्योंकि स्पेशल टू आप हंड्रेड परसेंट इवेट कर सकते हो कोई भी ब्लॉक डैमेज आपको लेना नहीं पड़ेगा बहुत सारी चीज़ है सो सबसे पहला नोड़ है यहाँ पर शेंक मतलब कि आप अगर आ, क्या कहते हैं निक फ्यूरी के ब्लॉक पर अटैक करोगे तो आपके ऊपर ब्लीड डिपअ अप्लाई होगा वो ब्लीड डिपअ ज़्यादा डैमेज नहीं करता बट पता नहीं मतलब इन लोगों ने क्यों ऐसा रखा है वन परसेंट का डैमेज डील करता है लिटरली कोई इतना मायने नहीं रखता अगर आपके पास विल पावर वाली मास्टरी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एंड यहाँ पर मैं क्विट कर देता तो हूँ क्योंकि मेरे को पता है मतलब इसका स्पेशल थ्री मेरे को ऑब्वियसली किल कर देगा ठीक है बेसिकली मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ है ना उसके बाद मैं सेबर टूथ ले जाता हूँ देखो सेबर टूथ मेरा रैंक टू है बट सेबर टूथ भी काफ़ी अच्छा खासा डैमेज कर कर पाता है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो टिक uh, पाता है बट अगर वो रैंक फाइव पे होता तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है डैमेज एक्स्ट्रा कर पाता एंड उसके बाद है टेक्टिकल एडजस्टमेंट वेन एवर निक फ्यूरी अ ब्लीड डी बफ दे आर इम्यून टू निक है सेवेंटी फाइव परसेंट चांस टू गेन है टेक्टिकल चार्ज दे है रिड्यूस्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट अगेंस्ट म्यूटेंट तो मतलब यही है कि अगर आप ब्लीड डी बफ अप्लाई करते हो तो निक फ्यूरी पास निक फ्यूरी के पास काफ़ी अच्छे चांस है कि वो टेक्टिकल चार्जेस गेन करें ठीक है देन ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होड है जो कि है इम्यून टू डीब लिटरली कोई भी डिबअ आप अप्लाई नहीं कर सकते पैसि डिब्फ येस आप अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि आ, वाइट मैग्नेटो की प्रीफाइड एबिलिटी लगा के जा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आप टीम में उसको ले जा सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है बट जैसे कि मेरी टीम बहुत काफ़ी सिलेक्टिव थी उसके उसकी जगह नहीं थी टीम पर तो मैं नहीं लेके आया बट आप वो चीज़ कर सकते हो एंड उसके साथ उसके नेक्स्ट वाला आपको नोड है एम्पावर्ड इम्यूनिटी मतलब कि आप जो भी डीबफ अप्लाई करते हो एंड वो उससे वो इम्यून हो मतलब ऑलमोस्ट जो भी डीबफ आप अप्लाई करोगे उसको थोड़ी बहुत जो है पावर के अंदर की वो होगी थर्टी हो ट्री परसेंट बार ऑफ पावर जो जहाँ पर भी मैं ब्लीड डिबफ अप्लाई करता हूँ पैरी करता हूँ तो उसको लिटरली काफ़ी सारी पावर गेन मिलेगी एंड आप ना इसका लिटरली इस्तेमाल कर सकते हो कि उसको टू बार्स ऑफ पार तक पुश करने के लिए क्योंकि बार बार अगर वो स्पेशल वन यूज़ करता रहेगा तो टेक्टिकल चार्जेस वो ट्रिगर करेगा एंड जैसे वो स्पेशल वन यूज़ करता है वो गारंटीड कि वो टेक्टिकल चार्जेस यूज़ करें एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो इनफ टेक्टिकल चार्जेस ट्रिगर करता है तो ट्वेंटी ट्रिगर करने के बाद जो है वो तो एक फ्यूरी बफ गेन करेगा एंड तब तक जैसे ही फ्यूरी बफ के बाद जो और नेक्स्ट वाले टेक्टिकल चार्जेस होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे जब तक कि फ्यूरी बफ निकल नहीं जाता सो तो ये एक थोड़ी बहुत जो है दिक्कत दे सकता है एंड लास्टली एक ब्लड लाइटिंग वाला नोड है कि उसका जितने भी ब्लीडी बफ का ड्यूरेशन है वो डबल हो जाता है डबल मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए ब्लीड डी बफ रहेगा सो ओमेगा रेड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसको डिफीट करने के लिए एंड लिटरली आप जो है सोलो कर सकते हो एंड कोलोसस पे काफ़ी अच्छा है मैंने दूसरे फाइट्स भी देखे गए दूसरे वीडियोस भी देखे थे जहां पर कोलोसस जो है सोलो कंप्लीट कर सकता है मेरे पास कोलोसस अभी के लिए है बट वो रैंक वन पर है एंड मैं अभी स्पेंड नहीं करना चाहता क्योंकि अभी गेम में जो है समर ऑफ पेन चल रहा है पता नहीं है आप वीडियो कब देखोगे मतलब इसके पाँच छः महीने के बाद अपलोड करने के लिए देखोगे मतलब कभी भी किसको भी जरूरत पड़ सकती है तो यार मतलब जिस टाइम मैं अपलोड करा तो उस टाइम पर समर ऑफ पेन के वीक चल रहे वीक नंबर थ्री जस्ट मैंने मिस्टीरियो को डिफीट किया है एंड अभी नेक्स्ट वेनजडे को जो है वीक नंबर फोर स्टार्ट हो जाएगा एंड वीक नंबर फोर स्टार्ट होता ही थ्रोन ब्रेकर के लिए क्या कहते हैं स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे सो so, वो सारी चीज़ें असाइड कलस्ट्रोस uh, आप यूज़ कर सकते हो लिटरली कोई भी म्यूटेंट जो कि ब्लॉक डैमेज कम ले सके एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि आपको ना थोड़ा बहुत जो है एग्रेसिव रहना पड़ेगा कि उसके हैवी अटैक्स वेट करो एंड उसके स्पेशल टू पर पुश करो जितना हो सके उतना एंड एक और ट्रिक आप कर सकते हो कि उसको स्पेशल टू पुश करने के लिए जो कि है एंड यहाँ पर मैं मर जाता हूँ ऑब्वियस बात कि जैसे आप कॉम्बो करो ना उसको कॉम्बो करने के बाद ना कॉम्बो uh, कंप्लीट मत करो मतलब एक मीडियम ट्रिपल लाइट एंड जस्ट ब्लॉक पकड़ के खड़े हो जाओ तो उससे क्या होगा कि वो आपके ऊपर एक दो ब्लॉक डैमेज करेगा एंड देन वो जो है हैवी अटैक के लिए जाएगा एंड जैसे ही वो हैवी अटैक के लिए जाता है अब से सिंपली जो है रिपीट कर दो मतलब कि आ, क्या कहते हैं अपना मीडियम अटैक तीन लाइट अटैक एंड जस्ट खड़े हो जाओ जब तक कि वो स्पेशल टू पर पहुँच नहीं जाता एंड जैसे ही वो स्पेशल टू पर पहुँचता है तो जस्ट आपको जो है उसका स्पेशल टू वेट करना है एंड ये रिंस एंड रिपीट करना है एंड उससे होगा क्योंकि आप उसको ना स्पेशल वन थ्रो करने से रोकोगे एंड उसी के साथ साथ हाँ आप देख सकते हो लिटरली मेरे को काफ़ी सारी हीलिंग मिल रही है जस्ट वो एक शेंक वाले नोट्स जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कहते हो हॉर्समैन एबिलिटी अप्लाई करके रखी है मेरी तो 128 की हीलिंग पर टिक के हिसाब से सो so, ऑलमोस्ट हर सेकेंड में जो है आ, 200 200 कितना 240 आ, 240 256 हीलिंग मिल रही है मतलब दो की हीलिंग मिल रही है पर सेकेंड तो लिटरली काफ़ी अच्छा है ऑलमोस्ट एक परसेंट जो है मिल रही है एवरी वन परसेंट वन सेकेंड एंड यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लॉक डैमेज अच्छा खासा हो रहा है एंड ब्लॉक डैमेज ही मेरे को लिटरली एक जगह पे मरवा देता है क्योंकि वो उसकी निक फिरी की सेकेंड लाइफ ट्रिगर हो जाती है एंड एंड uh, जो है वो उसकी फ्यूरी मिल जाती है उसको एंड उससे वो काफ़ी सारा डैमेज करता है एंड यहाँ पर देखा मैंने अनस्टॉपेबल पैसिवली अनस्टॉपेबल ट्रिगर हुआ क्योंकि मैंने हिट ले लिया एंड ये एबिलिटी है हॉर्समैन की मैग्नेटों की कोई भी एबिलिटी नहीं है कि वो अनस्टॉपेबल ट्रिगर करे पैसिवली बट वो हैवी अटैक में जो है अनस्टॉपेबल ट्रिगर करता है एंड ये काफ़ी अच्छा डैमेज करता है थर्टी का क्रिएट अटैक तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी डैमेज आप चिप कर पाओ वो अच्छा है एंड जैसे ही जो है ये वाली फ़र्स्ट फाइट ना थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि पहली बात तो उसके पास दो लाइफ है एंड फर्स्ट लाइफ आप किल भी कर लो कुछ भी करके बिना रिवाइव यूज़ करके बिना जो है कोई भी दूसरे चैंपियन यूज़ किए तो एक काफ़ी अच्छी फाइट हो जाएगी एंड आप देख सकते हो तो लिटरली दो से तीन पेरीज में कंटिन्यूस करता हूँ एंड वो कैसी करनी है कैसे नहीं करनी है अगर आपको पैरी रिपेरी करना नहीं आता तो जाके मेरी वीडियो देखो चैनल पर अवेलेबल है पैरी और रिपेरी पर सो आपको थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है या एंड उसकी अभी हेल्थ जो है ट्वेल्व परसेंट बची है मेरे को जस्ट थोड़े बहुत कॉम्बो करने हैं एंड एक या दो स्पेशल अटैक यूज़ करना है एंड अगर आपके पास कोई भी सिक्स स्टार रैंक थ्री में अवेलेबल है ब्यूटन चैंपियन तो जैसे ही उसकी सेकेंड लाइफ ट्रिगर होती है ना तो ट्रिगर होने के टाइम आप जो है उसको ये करके रखो उसका स्पेशल थ्री जो भी स्टार रैंक थ्री म्यूटेंट चैंपियन है उसका स्पेशल थ्री बना के रखो लॉन्च मत करना एंड उसके बाद जो है जस्ट आपको वेटिंग वाली गेम खेलने के मतलब आपको रुकना है जब तक कि वो थर्टी परसेंट की हेल्थ पर नहीं आ जाता क्योंकि आप डेफिनेटली नहीं चाहते कि उसको अटैक करो क्योंकि आप अटैक करोगे उसको पावर गेन मिलेगी वो स्पेशल वन यूज़ करेगा आप ब्लॉक डैमेज में ही मर जाओगे सो so ये आप लिटरली नहीं चाहते एंड दो परसेंट है जस्ट एंड इसको थोड़ा बहुत ब्लॉक डैमेज करके देखो मैंने स्पेशल थ्री बना के रखा है एंड सेकेंड लाइफ ट्रिगर हो जाती है एंड यहाँ पर जो है लकीली वो स्पेशल टू पर पुश हो जाता है तो मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना वेट करूँगा उसको आ, उसका स्पेशल अटैक बेट करूंगा एंड यहाँ पर ना एक और ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि गेम में आ, निक फ्यूरी के प्रेस्टीज चार्ज का प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब फ़ाइट एंटर में फाइट एंटर करते ही जो है उसका प्रेस्टीचार्ज ट्रिगर हो जाता है तो वो आपके एक एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो मतलब जब भी ऐसा कोई बग आए आपको पता चले कि बग लाइव हो चुका है तो सब कुछ छोड़ के जो है ये एक्स सिक्स चैप्टर एक्स सिक्स एक्स सिक्स थ्री पॉइंट टू में आप जाके ये बॉस को डिफीट ट्राई कर सकते हो डिफीट करने की एंड यहाँ पर जो है मैं कॉम्बो करता हूँ एंड वो सेकेंड लाइफ में आ चुका है थर्टी परसेंट के नीचे हो चुका है एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो हैवी अटैक चार्ज करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं मेरे को तो मैं लॉन्च करता हूँ इन लिटरली काफ़ी कम डैमेज करता है मेरे को ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट टेन परसेंट के आसपास ले आएगा बट नहीं जस्ट दो से चार परसेंट के लिए हैवी डैमेज करता है एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वो ब्लीड इम्यून है मतलब ऑलमोस्ट डीप ऑफ इम्यून है ऑलमोस्ट हैवी डीप ऑफ इम्यून तो ब्लीड डिबस कोई डैमेज नहीं करेंगे कोई आर्मर ब्रेक अप्लाई नहीं होगा कोई प्रकार का कोई भी डिबस जो है अप्लाई नहीं होगा सो एंड यहाँ पर जो है अनब्लॉकेबल हो जाता है वो समहा में थोड़ा बहुत जो है डैमेज सस्टेन कर लेता हूँ एंड बूम एक मतलब जो है इंटरसेप्ट uh, करता हूँ एंड उसका जो है ट्रिगर निकल जाता है जो क्या कहते हैं अपना अनब्लॉकेबल चार्ज है वो निकल जाता है बट वो स्पेशल अटैक यूज़ करने के बाद मैं मर जाता हूँ यहाँ पर अभी ले जाएंगे हम अपोक्लिप्स जो कि बची कुची हेल्थ है तो मेरे को पहले ऐसा लगा कि अपोक्लिप्स जो है उसकी सेवेंटी फाइव थाउजेंड हेल्थ जो है वो निकाल पाएगा बट फाइट स्टार्ट होते ही देखना क्या होगा मेरे को ओपनिंग मिलने नहीं वाली लिटरली टू थाउजेंड तक का जो है ब्लॉक डैमेज होता है एंड लिटरली काफ़ी सारी मतलब ऑलमोस्ट मैं फोर्टी परसेंट तक की हेल्थ जो है मैं सारी की सारी ब्लॉक डैमेज में वेस्ट कर दी एंड वो पता नहीं बार बार यहाँ पर अब देखो मैं उसको अटैक करने गया उसने चालू अटैक में अपना स्पेशल वन यूज़ कर लिया ब्लीड डीब अप्लाई होता है मेरे ऊपर ये क्या कहते हैं वाले डीबफ का नाम क्या है डिसोडियन डीबफ या तो डिसोडेंट डीब भी अप्लाई हो जाता है मैं थोड़े बहुत जो है इंटरसेप्ट करता हूँ बट मेरी हेल्थ काफ़ी लो है मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मैं उसको जो है किल कर पाऊंगा एंड ये गांडू भाई टकला निक फ्यूरी स्पेशल वन यूज़ कर देता है दूसरी बार आई I मीन mean, मतलब किसको किसने बताया इसको कि भाई तू स्पेशल वन यूज़ कर अगर वो स्पेशल वन यहाँ पर यूज़ नहीं करता है ना तो ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं अपना अपोकलिप्स जो है फाइट आराम से ख़त्म कर सकता था बट अभी क्या ही कर सकते हैं वो गांडू है वो टकला है <laughs> काणिया है <laughs> निक फ्यूरी निक फ्यूरी तो क्या कर सकते हैं अभी जो है एक रिवाइव यूज़ करना पड़ा एंड यहाँ पर जितना मेरे को याद है मैं ऑलमोस्ट जो है इसको किल कर लेता हूँ नाइन परसेंट जबकि हेल्थ बची है सो या ब्लॉक डैमेज में काफ़ी सारा लेता हूँ यहाँ पर लिटरली बट देख सकते हो विल पावर की मास्टरी लिटरली मेरे को काफ़ी सारा मदद कर सकती है मैंने 40 परसेंट वाला रिवर्व यूज़ किया था एंड उसका ब्लॉक डैमेज भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6 से 7 परसेंट का ब्लॉक डैमेज है उसके स्पेशल वन से एंड आपको हैवी अटैक काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा एंड मेक श्योर करो कि आप अच्छा खासा चैम्पियन ले जाओ जैसे कि पहले भी बताया कि जो ब्ली डी बफ अपला उसका ब्लॉक डैमेज थोड़ा बहुत ले सके एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा बहुत अच्छा खासा डैमेज भी कर सके सो so, यहाँ पर हो जाती है फाइट ख़त्म यहाँ पर हो जाता है क्वेस्ट ख़त्म एंड उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी हो सके हैवेक वाला बॉस कंप्लीट करूँ कि हैवेक वाले बॉस के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा ऐसा चैंपियन होगा कि जो हैवेक को काउंटर कर सके एंड हैवेक को काउंटर करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस को अपग्रेड करूँ या तो फिर मेरी जो सिक्स स्टार आ, गिलेटिन है गिलेटिन ट्वेंटी नाइन्टी नाइन उसको रैंक टू पर ले जाओ पता नहीं देखते हैं क्या होगा क्या नहीं जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा एंड ये थी मेरी आज की सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट टू की वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड इससे प्रीवियस चैप्टर की वीडियो मतलब एक्ट सिक्स चैप्टर टू पूरा का पूरा, पूरा कंप्लीसन मैंने लिस्ट बना के रखी है प्ले लिस्ट बना के रखी है आपने नहीं देखी तो जस्ट जाके देखो एंड होपफुली जो है हो सके तो कंप्लीट करने की ट्राई करो एंड ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थ्रोन बिकर बन जाओ तो यार तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में